और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क में रूस यूक्रेन में जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। यूक्रेनी हमले में प्रशासनिक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सरकारी बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि इसे टारगेट करते हुए ये हमला किया गया। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर बॉम्ब से हमला किया है। अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करके हमले ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। तो ये सरकारी इमारत बताई जा रही है जिस पर यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला, और हमले के बाद देखिए चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। डोनेस्क में इस वक्त चल रही है भीषण जंग, और डोनेस्क में ही इस सरकारी इमारत पर यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन पर खुलासा हुआ है। वैगनर के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन चल रहा है। सूडान में वैगनर पर यूक्रेन का ड्रोन से हुआ है अटैक। यूक्रेन के ऑपरेशन पर पश्चिमी मीडिया का दावा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसी साल मई में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने झंडा फहराकर पूरे बाखमुट पर कब्जे का दावा किया था, मगर सिर्फ 4 महीने में बाखमुट रूस के हाथ से फिसलने लगा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर बाखमुट के 2 इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यहां एक बार फिर से बारूदी जंग शुरू हो चुकी है। अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए यूक्रेनी जवान रूसी फौज को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। चार महीने बाद एक बार फिर बाखमुत की जमीन पर यूक्रेनी फौज कदम रख चुकी है। ये यूक्रेनी जवान व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों को पीछे ढकेल रहे हैं, तेजी से अपनी खोई जमीन वापस छीन रहे हैं। जिस बाखमुत पर कब्जे में रूसी फौज को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा, वैगनर आर्मी ने अपने सैकड़ों लड़ाके खोए। उस बाखमुत की जमीन को रूस 6 महीने भी अपने कब्जे में नहीं रख सका। बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के 4 महीने बाद ही यूक्रेन ने रूस के डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया। ये बाखमुत के वॉर ग्राउंड से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अंद्रीवका की है, जहां 17 सितंबर को यूक्रेन आर्मी के जवानों ने कब्जा कर लिया और एक घर पर झंडा फहराया। वहीं दूसरी तस्वीर क्लिशिपका की है, जो अंद्रीवका से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। महज 2 दिन बाद यूक्रेनी जवानों ने क्लिशिपका को भी रूस के कब्जे से आजाद करा लिया। इस वक्त बाखमुत में यूक्रेन की पोजिशन क्या है, यूक्रेन की सेना ने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्लिशिपका के वॉर ग्राउंड से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिशिपका के बॉर्डर एरिया का है, जहां मौजूद खेतों में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। मगर रूसी सैनिक यूक्रेनी जवानों के सामने ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सके और यूक्रेन ने उन्हें खदेड़ दिया। ये वीडियो उस वक्त का है जब यूक्रेन की सेना क्लिशिपका गांव के अंदर दाखिल हो चुकी है। यहां घरों में छिपकर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। फायरिंग के बीच यूक्रेनी जवान तेजी से आगे बढ़ते नजर आए। ये तस्वीर भी बाखमुत के क्लिशिपका की है। तस्वीरें तब की हैं जब यूक्रेनी फौज इस इलाके में काफी आगे बढ़ चुकी थी। यूक्रेनी फौज ने क्लिशिपका में मौजूद रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये वीडियो यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इस पूरे वीडियो में यूक्रेन आर्मी के जवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। कहीं यूक्रेनी फौज ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती नजर आ रही है, तो कहीं मोर्टार से बारूद बरसाते दिख रहे हैं।
बारूदी तबाही का ये वीडियो उस वक्त का है जब यूक्रेनी फौज क्लिशिवका में काफी आगे बढ़ चुकी थी। क्लिशिवका का किला ढहता देख रूस ने इस पूरे इलाके में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, मगर बारूदी एक्शन के बाद भी इस इलाके को रूस नहीं बचा सका। ये वीडियो आज सुबह का बताया जा रहा है जब यूक्रेन रूसी फौज को क्लिशिवका से पूरी तरह खदेड़ चुका था। इस वीडियो में जंग की विभीषिका साफ साफ देखी जा सकती है। हर तरफ डराने वाली खामोशी और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। क्लिशिवका और अंद्रिवका पर कब्जे के बाद बाखमुत के पास पहली रूसी डिफेंस लाइन ध्वस्त हो चुकी है। फिलहाल यूक्रेनी सैनिक कहां है अब ये आपको दिखाते हैं। ये बाखमुत की जंग का सबसे लेटेस्ट मैप है। इस मैप में मौजूद क्लिशिवका और अंद्रिवका पर पूरी तरह से यूक्रेनी फौज ने वापस कब्जा कर लिया है। यहाँ की जमीन पर यूक्रेनी झंडे लहरा रहे हैं। वहीं उत्तर की तरफ मौजूद ओरिखोवो वासिलिवका में भी यूक्रेनी फौज सेंध लगा चुकी है और रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। क्लिशिवका और अंद्रिवका पर कब्जा यूक्रेन की बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि यहां से यूक्रेन रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल ये दोनों इलाके बाखमुत के ऊंचाई वाले हिस्से में मौजूद हैं, जिससे यूक्रेन को जंग लड़ने में आसानी होगी। वो रूसी रसद को भी रोक सकता है। बारूद सिर्फ बाखमुत में ही नहीं बरस रहा, ज़ापोरिज़्या में भी रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज होती जा रही है। ये वीडियो ज़ापोरिज़्या के बॉर्डर एरिया का है, जहाँ से ट्रेंच में यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे, मगर जहाँ के ट्रेंच में यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे मगर रूसी बीएमपी ड्रैंग ने ट्रेंच पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। ताबड़तोड़ बारूद बरसाता ये रूस का रॉकेट लॉन्चर है, जिसने ज़ापोरिज़्या में यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर रॉकेट बरसाए। ये वीडियो कोप्यांस का है। यहाँ रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया और होवित्ज़र से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस जहां यूक्रेनी जवानों पर बारूद बरसा रहा है, वहीं यूक्रेनी फौज भी चुन चुनकर रूसी हथियारों को तबाह कर रही है। ये वीडियो देखिए। वीडियो में मौजूद रूसी नोना सेल्फ प्रोपल गन्स को यूक्रेनी फौज ने आज मार्च से तबाह कर दिया। यूक्रेन ने डोनेस में मौजूद सिटी सेंटर पर भी मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद सिटी सेंटर से घना काला धुआं उठता नजर आया। हालांकि रूसी दावे के मुताबिक हमले में सिटी सेंटर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। साफ है, जैसे जैसे बाइडेन ज़ेलेंस्की की मुलाकात की घड़ी करीब आ रही है, यूक्रेनी फौज आक्रामक होती जा रही है। जंग के हर मोर्चे पर यहां रूसी हमलों का यूक्रेन आक्रामक जवाब दे रहा है। वहीं बाखमुत में यूक्रेन ने खोई जमीन वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब इसमें यूक्रेन कहां तक और कब तक कामयाब हो पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।